मेरे पास ये मोबाइल फोन है, वीवो 91 मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा है। क्या लगा है? अच्छा, हमको कैसे पता चला मीडियाटेक सीपीयू लगा है? आप जैसा मरीना से पता कर सकते हो, या तो फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करा के पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? फोन या तो सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो प्लस माइनस दबा करके कनेक्ट करके पता कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है? लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लॉक लगा है। हम लोग इस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ेंगे, और लॉक तोड़ने के लिए अगर इस मोबाइल फोन को अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांग लेता है। तो जब फॉर्मेट करते समय पासवर्ड मांग लेता है तो इसका मतलब होता है कि फिर ये डोंगल या टूल के माध्यम से होगा, बाकी फ्री के कोई ऐसे मेथड से नहीं होगा। और आज हम लोग इस अनलॉक टूल के माध्यम से इस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ने वाले हैं। आप ऐसे और भी जो मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन का लॉक आप तोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या करेंगे, फोन को स्विच ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? फोन को स्विच ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करेंगे। जैसे पावर ऑफ करेंगे आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। जब मोबाइल फोन आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद आपको सबसे पहली बात माय कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर खोल लेना है। यहाँ पर पोर्ट में जाकर के मोबाइल फोन के कनेक्टिविटी देखनी है। अगर आपका कनेक्टिविटी बना रहा है तो इसका मतलब होता है फोन कनेक्ट हो रहा है, और आप उस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ने के लिए आगे का काम चालू कर सकते हैं। अब बिना कनेक्ट हुए तो आप कर नहीं सकते, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन पर मोबाइल फोन में प्लस माइनस बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? प्लस माइनस बटन दबाएंगे। जैसे प्लस माइनस बटन दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डाटा केबल लगाएंगे। प्लस माइनस बटन दबाएंगे, डाटा केबल लगाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो मीडियाटेक का प्री लोडर करके पोर्ट बनाया है। अच्छा, पोर्ट बनाता है और चला भी जाता है, कोई ज्यादा देर के लिए रुकता नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपका प्री लोडर का पोर्ट बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन का अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, पहले वीवो को सिलेक्ट करेंगे। वीवो सिलेक्ट करते ही वीवो की जो सीरीज होती है, वो वीवो की सीरीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जब वीवो की सीरीज ओपन हो जाएगी तो उसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आएंगे उनको आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। अमित सर बोलिए, उनको 5 मिनट बैठने के लिए, सर 5 मिनट बैठने के लिए बोलिए। हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन का लॉक खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लॉक खोलेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, वीवो का मोबाइल फोन आ जाएगा। कौन सा मोबाइल फोन आ जाएगा? वीवो का मोबाइल फोन आ जाएगा। वीवो का कौन सा आएगा? वीवो Y91। कौन सा मोबाइल फोन आएगा? Y91। और Y91 के अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा है। कौन सा सीपीयू लगा, ये चीज हम लोग इसमें से क्या करेंगे, देख लेंगे, वॉच कर लेंगे। अब वीवो 91 जो मॉडल आता है, वो यहाँ से मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। पहले अपना मॉडल ढूंढेंगे, अगर यहाँ पर हम मॉडल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सीपीयू के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल लेंगे। ये कौन सा मॉडल है आप बताइए जरा, Y91। तो हमने क्या किया, Y91। जैसे Y91 टाइप किया तो इसने Y91 के लिए हमको ये सजेस्ट कर दिया कि इसमें Y91 भी है, 91C भी है, ये भी है। तो इसमें से तीनों में कोई भी हो सकता है, तो 91i भी हो सकता है, 91C भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। अब हम फिर तीन जगह पे फंस गए। हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश लाइट नहीं है। क्या नहीं है? किसी में फ्लैश लाइट होती है, किसी में फ्लैश लाइट नहीं होती, ऐसा थोड़ा बहुत करके किसी में फिंगर होता है, किसी में बिना फिंगर का होता है, ऐसा भी कुछ करके थोड़ा बहुत करके वो बना देते हैं। अगर यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो रही है तो हम इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए हम लोग सीधे सीपीयू पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सीपीयू पे चले जाते हैं। जब सीपीयू पे चले जाएंगे तो सीपीयू पे जाने के बाद प्री लोडर ले लिया। अच्छा, प्री लोडर क्यों लेंगे? प्री लोडर इसलिए ले लेंगे क्योंकि नया मोबाइल फोन है, इसमें प्री लोडर लिख के आ रहा था ना, मतलब नई सिक्योरिटी थी। हमने आपको पहले समझाया था कि मीडियाटेक में दो तरीके की सिक्योरिटी आती है, तो ब्रूम आती है, तो प्री लोडर आती है। अब हमने देखा इसमें कौन सा प्री लोडर सिक्योरिटी, V3 सिक्योरिटी है। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अब इस मोबाइल फोन में लॉक लगा है। क्या लगा है? तो लॉक को तोड़ने के लिए हमको मोबाइल फोन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर क्या करिए, क्विक मेथड करिए। क्या करिए? क्विक मेथड करिए। इरेज FRP इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो सॉफ्टवेयर तुम्हारे यहाँ पर स्क्रीन में क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा तो बोलेगा भाई फोन कनेक्ट कराओ। सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, फोन कनेक्ट कराओ, वेटिंग फॉर डिवाइस, मतलब डिवाइस वेटिंग के लिए खड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस बटन दबाएंगे और डाटा केबल लगाएंगे। जैसे प्लस माइनस बटन दबाएंगे, डाटा केबल लगाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चल रहा है, हाँ, प्लस माइनस दबा के रखना है। प्लस माइनस दबाने से हमारा मोबाइल फोन पोर्ट बना के रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाता है तो फिर हम प्लस माइनस को छोड़ देंगे, लेकिन पहले हम लोग पकड़ के रखेंगे। ये इसका बूटिंग बटन है।
क्या बटन है? बूटिंग बटन है। अब हमारा मोबाइल फोन क्या हो रहा है? फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। क्या हो रहा है? फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। मोबाइल फोन के अंदर डाटा भरा होता है तो थोड़ा समय लगता है, अगर डाटा नहीं होता तो फटाक से हो जाता है। ये डाटा के स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी समय लग रहा है, एक मिनट दो मिनट थोड़ा समय लगता है, तुरंत सेकंडों में मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाता है। ओके, हो गया, मोबाइल फोन हमारा फॉर्मेट हो गया। जैसे मोबाइल फोन फॉर्मेट हो गया, अब आप क्या करिए, बटन को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इरेज FRP ओके, फॉर्मेट डाटा ओके, हमारा मोबाइल फोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब ये मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये मोबाइल फोन फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो पूरा मैं, अच्छा ये मैं तुमको इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ, हम चाहते तो इसको वीवो के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर फिर हमको कंफर्मेशन मॉडल देखना पड़ता, क्योंकि वहां पर तीन मॉडल बता दिया, 91 बता दिया, CV बता दिया। तो हम लोग को सोचा गया कैसे तीनों में किस में चले जाएं, या तो तीनों ट्राई मार लें, या तो जैसा मरीना में जाकर तीनों का देख लें। अगर हमको तीनों में फिर भी डाउट्स लग रहा था तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम CPU पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? तो हमने मीडिया टेक के हिसाब से चले गए, तो फिर हमने CPU पकड़ लिया। CPU के हिसाब से हमने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने के बाद अब आपका मोबाइल फोन दोबारा ऑन होगा, और मोबाइल फोन जैसे ऑन होकर चालू हो जाएगा तो आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो चुका है। अब इसमें से फॉर्मेट भी हो चुका है, FRP भी हो चुका है, दोनों काम हो चुके हैं। फॉर्मेट भी हो चुका है, FRP भी हो चुका है। जब दोनों काम हो चुके हैं तो हमारा मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद फिर वो नेक्स्ट 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 वो पहले जो नया कंडीशन होता है ना, उस कंडीशन को अप्लाई कराता है और मोबाइल फोन का लॉक टूट जाएगा। ये जो मैंने प्रोसेस करके आपको बताया, इसी तरीके से आपके मार्केट से मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएंगे। अब जैसे आज हमारे पास तीन मोबाइल फोन आए हैं क्लास में प्रैक्टिकल के लिए, एक ये और ये भी वीवो कंपनी का मोबाइल फोन है, इसमें भी FRP लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले से कस्टमर FRP लगा के लाया है। इस मोबाइल फोन के अंदर आईटेल का मोबाइल फोन है, इसमें भी FRP लगा हुआ है। तो ये जो ऐसे मोबाइल फोन है तो हम लोग इसका इसी टूल के माध्यम से आज तीनों मोबाइल फोन का लॉक खोलेंगे, ठीक है। एक का तो मैंने खोल के दिखा दिया है, अब दो का, एक मैं आपको मोबाइल फोन दूंगा, आप पहले इसका मॉडल पता करिए, लॉक खोलिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि एक्चुअल में काम किया कैसे जाता है। ये भी जो जितना ही सारा सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाते हैं, ये हम आपको ऑपरेट करने का तरीका सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका सिखाते हैं, फोन को कनेक्टिविटी का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा, कहते नहीं है कि हमको जब स्कूल में जब मैथ पढ़ाई जाती थी तो मैथ पढ़ाने से पहले सर जी हमारे क्या करते थे, हमको फॉर्मूला पहले समझाते थे, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से सवाल हल होगा। तो उसी तरीके से ये तो सवाल है, ये हल तभी होगा जब ये क्या समझ में आएगा, फार्मूला समझ में आएगा। अब अगर हमको नहीं फार्मूला समझ में आता तो हम फोन में प्लस माइनस बटन नहीं दबाते, डाटा केबल नहीं लगाते, डिवाइस मैनेजर में जाकर के हम लोग चेक नहीं करते, क्योंकि जब वहां से हम लोग सब कुछ चेक करे बैठे हैं तभी तो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये मोबाइल फोन को ऑन होने में, जब पहली बार फॉर्मेट होता है मोबाइल फोन, तो फर्स्ट टाइम मोबाइल फोन को ऑन होने में समय लगता है। अच्छा, जो समय लगता है, इस समय से हमको ये भी क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि हमारा मोबाइल फोन क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। जब फॉर्मेट हो जाएगा तो इस मोबाइल फोन का लॉक टूट जाएगा, फिर वही नेक्स्ट 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 जितना सारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने की जरूरत है और आपका फोन रेडी हो जाएगा। अब ये आईटेल का मॉडल है, आप लोग कौन पकड़िए, सब लोग आईटेल का मॉडल है। पहले का CPU पता करेंगे, क्या पता करेंगे, CPU पता करेंगे।
वेटन यस सर।